रोडवेज बस अड्डे को हटाए जाने के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने रोडवेज परिसर के अंदर धरना प्रदर्शन किया और प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। बता दें कि काशीपुर में भाजपा रोड पर 50 वर्षों से रोडवेज बस अड्डा स्थापित है। बस अड्डे को निर्माणाधीन फ्लाईओवर के चलते ठाकुर द्वारा रोड पर स्थानांतरित किया जा रहा है। रोडवेज बस अड्डे को हटाए जाने के विरोध में कांग्रेस की महानगर अध्यक्ष संदीप सहगल के नेतृत्व में दर्जनों कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने रोडवेज परिसर के अंदर धरना प्रदर्शन किया और काशीपुर विधायक और प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान रोडवेज कर्मचारी संयुक्त परिषद द्वारा कांग्रेस कार्यकर्ताओं के धरना प्रदर्शन को समर्थन दिया गया। कांग्रेस महानगर अध्यक्ष संदीप सहगल ने कहा कि काशीपुर के भाजपा विधायक हरभजन सिंह चीमा रोडवेज परिसर को हटाकर अपनी मंशा पूरी करना चाहते हैं, जिसे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करने दिया जाएगा। काशीपुर बस अड्डा जो है आज से 1972 से बस अड्डा यहाँ पर स्थित है और जो हमारे शहर के बीचों बीच है, यहाँ के रेलवे स्टेशन के पास सब कुछ है और यहाँ से बार बार बस अड्डा हटाने की आवाज़ आ रही है कि बस अड्डा यहाँ से हटाया जाए। तो कर्मचारियों का विरोध था कि ये बस अड्डा यहाँ से ना हटा के एक मिनी बस अड्डा जैसे कि रुद्रपुर और हल्द्वानी या टनकपुर या बरेली लखनऊ इस साइड ये कर दिया जाए, मुरादाबाद हरिद्वार ये पुल जहाँ शिफ्ट करना चाहते हैं वहाँ शिफ्ट कर दें, तो यही कर्मचारी की आवाज़ थी। दूसरा कि हमारी माताएँ बहनें शहर की हैं, वो वहाँ से इतनी दूर आएंगी जाएंगी, उसमें दिक्कतें परेशानी जैसे चैन स्केचिंग या मामले सामने आते हैं, तो रात के टाइम में हमारी गाड़ियाँ रात को 12 बजे 1 बजे 2 बजे आती हैं, उसमें बड़ी दिक्कतों का बहनों माम हमारी शहर की माताएं बहनों को बड़ी दिक्कत का सामना उठाना पड़ेगा और हम चाहते हैं कि हमारा बस अड्डा यहीं रहे, क्योंकि हम शहरों के बीच बीच में ही जो हमारा हो सकता है कि एक सवारी भी मिलना, जो सवारी मेन है वो शहर के बीचों बीच से ही निकलती है और मेन बस अड्डा यहाँ रहे तो हमें ज़्यादा अच्छा रहेगा हमारे लिए। काशीपुर की लगभग 50-55 साल पुरानी धरोहर है, एक ऐसा काशीपुर रोडवेज बस अड्डा है जो आसपास के इतना बड़ा बस अड्डा कहीं पर भी नहीं है और सबसे बड़ी बात है कि काशीपुर का रोडवेज बस अड्डा काशीपुर की जनता के इर्द गिर्द से घिरा हुआ है। अब आप बताइए, काशीपुर का रोडवेज बस अड्डा यदि लगभग ठाकुर द्वारे के पास यदि शिफ्ट हो जाता है तो आपके डिग्री कॉलेज के पास से श्यामपुरम की कॉलोनी, खड़गपुर कॉलोनी, जसपुर खर्द कॉलोनी, पटेल नगर, वैशाली कॉलोनी, आवास विकास, पूरा का पूरा आपका चवंडा बिहार, गिरिताल, नई बस्ती, इतना बड़ा आबादी का जहां लाखों की जनसंख्या रहती है, वो जनसंख्या यदि आवागमन जो रोडवेज बस से करती है यदि वो ठाकुर द्वारे के पास से बस पकड़ने जाएगी तो इतना किराया रामनगर का, बाजपुर का, रुद्रपुर का, हल्द्वानी का नहीं होगा जितना किराया उसको रिक्शा का वहाँ पर जाने के लिए देना पड़ेगा। हमारी बड़ी हम लोग कांग्रेस पार्टी जो है वो विकास की सोच रखती है, हम लोग चाहते हैं कि यदि आप इससे भी बड़ा बस अड्डा बनाना चाहते हैं तो आप निश्चित रूप से बनाइए, लेकिन इस बस अड्डे को सब स्टेशन बनाया जाए। इस रूट की जो बसें हैं, रुद्रपुर की, हल्द्वानी की, बरेली की, बाजपुर की, पट्टी की, रामनगर की, जो बसें इस रूट पर हैं उस रूट की बसें इस बस अड्डे से चलाई जाएं और इस बस अड्डे को पूरी तरीके से शिफ्ट ना करके इसको सब स्टेशन बना के उसी प्रकार से डेवलपमेंट किया जाए जैसा कि आप नए बस अड्डे का करना चाहते हैं। कांग्रेस पार्टी का यहाँ पर रोडवेज जो कर्मचारी संघ है उन्होंने अपना समर्थन दिया है, काशीपुर के जन संप्रभु जो जागरूक लोग हैं उन लोगों ने समर्थन दिया है, ये लेटर हमें संघ वालों ने सौंपा है और पूरी कांग्रेस पार्टी इसके पर ये सरकार इसको अपने आप में काबिज कर यहाँ पर इसका व्यवसायीकरण करना चाहती है, जबकि इसका व्यवसायीकरण नहीं हो सकता। ये जनता की परेशानियों को देखते हुए, जनता की समस्याओं को दूर करने के लिए काशीपुर रोडवेज बस अड्डे का निर्माण किया गया है। हम आम जनता के लिए आम जनता की आवाज़ बनना चाहते हैं और इस रोडवेज बस अड्डे को यहीं पर रखने की अपनी प्रमुख मांग